आज हम लोग प्रकाश स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रकाश जिसको इंग्लिश में लाइट बोलते हैं, ये फिजिकल साइंस जो हमारा बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5, ओके, चैप्टर नंबर 5 में है। और इसलिए माध्यमिक परीक्षा में टोटल 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये जो हमारा वीडियो रहेगा आज का, वो फुल्ली रहेगा इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। बेसिक्स कॉन्सेप्ट मतलब, बेसिक्स कॉन्सेप्ट मतलब जो इससे पहले, ओके, 8 या फिर 7 में जो हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़े थे, उसी को आज हम लोग इस वीडियो में रिविजन करेंगे। क्योंकि ये जो आज की जो वीडियो रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आने वाले जितना भी वीडियो रहेगा उसमें से कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ वहाँ पे यूज होगा, कुछ ना कुछ परिभाषा वहाँ पे यूज होगा। इसलिए आज का वीडियो बहुत बेसिक्स है, बहुत इजी भी है, इसलिए और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आज हम लोग सिर्फ प्रकाश के परिचय को समझेंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं को समझेंगे, ठीक है। तो आज क्या है, परिचय है सिर्फ, इंट्रोडक्शन किसका, प्रकाश का, ओके। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि प्रकाश जो लाइट होता है, प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता ओके। प्रकाश हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि आंख क्या करता है तब, ठीक है। तो आंख से हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, लेकिन प्रकाश हमारी सहायता करता है उस वस्तु को देखने में, ठीक है। मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए, आप जिस रूम में अभी हैं, छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। आप अभी जिस रूम में हैं, उस रूम का सारा बल्ब, सारा लाइट बंद कर दें, पूरा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाने के बाद आपके पास, मैंने आपके पास रखी कोई भी वस्तु को आप नहीं देख पाएंगे, कोई भी चीज़ आपके आस पास रखा हुआ कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप लाइट ऑन कीजिएगा तो आपको वो वस्तु दिखाई देते हैं, दिखाई देने लगता है। होता क्या है, जो भी बल्ब है उससे प्रकाश निकलेगा, लाइट निकलेगा, और प्रकाश इससे पड़ेगा, इससे पड़ने के बाद मेरी आंखों तक पहुंचेगा, इससे इससे पढ़ के प्रकाश मेरी आंखों तक पहुंचेगा, जिसके कारण हम इस मार्कर को देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा होगा, इससे पढ़ के मेरी आंखों तक पहुंच रहा होगा, जिसके कारण ये हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर लाइट नहीं रहेगा तो इससे लाइट इससे पड़ेगा नहीं, पढ़ के मेरी आंखों तक नहीं पहुंचेगा, जिसके कारण हम इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो प्रकाश अगर लाइट रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, प्रकाश रहेगा तभी आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, और प्रकाश नहीं रहेगा तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाइएगा। तो प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है, ओके। दूसरा बात क्या है, समझिए, ये सूर्य है, ओके, ये हमारा अंतरिक्ष है, ठीक है। ये छोटा सा हमारा पृथ्वी है, ओके। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा है। अंतरिक्ष में आपको पता है हवा नहीं है, तो जहां हवा नहीं है तो उस स्थान को निर्वात बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, निर्वात। अर्थात जहां हवा नहीं है उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्वात, ठीक है। तो आप लोग जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ से प्रकाश निकलता है, यहाँ से प्रकाश निकल के पृथ्वी तक पहुंचता है। तो जहां हवा नहीं है वहां से प्रकाश जाता है, और जहां हवा है वहां से प्रकाश जा सकता है। दूसरा बात क्या समझे, कि जहां हवा नहीं है अर्थात उस स्थान को क्या बोलते हैं, निर्वात। निर्वात से ही प्रकाश गुजर सकती है, जहां हवा नहीं है वहां से भी प्रकाश जा सकता है, और जहां हवा रहती है अर्थात हमारी पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा है, हमारा वायुमंडल है जिसमें विभिन्न प्रकार का हवा है। तो वहां से, यहाँ से सूर्य का प्रकाश का किरण निकलता है, यहाँ से जहाँ हवा नहीं, अंतरिक्ष होते हुए
पृथ्वी तक हमारे जो वायुमंडल को पार करते हुए पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। तो जहां हवा नहीं है वहां से भी यहां से प्रकाश निकल के जा रहा है, जहां हवा है वहां से प्रकाश जा सकता है। जहां हवा रहती है वहां से भी प्रकाश जा सकती ओके। तो जहां हवा नहीं वहां से प्रकाश जा सकता है, जहां हवा है वहां से भी प्रकाश जा सकता है। और कौन कहाँ कहाँ जा सकता है? देखिए जल, जल जल में पानी में प्रकाश जा सकता है, पानी के आर पार प्रकाश जा सकता है। हाँ एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, समझ लीजिए ऐसा कोई बोतल है जिसमें साफ पानी हो, गंदा पानी नहीं है उसका, पानी है ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई टॉर्च ऑन किए, यहाँ पे आप कोई टॉर्च ऑन किए, तो टॉर्च से जो प्रकाश निकलेगा यहाँ से होते हुए इस पानी को पार करते हुए इधर ये प्रकाश आपको आता हुआ दिखाई देगा। हाँ मिस टॉर्च का यहाँ से जो प्रकाश निकल रहा है, टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है वो इस पानी को पार करके इधर आ गया, अर्थात पानी से भी प्रकाश, एक पानी के आर पार भी प्रकाश जा सकता है ठीक है। पानी अर्थात जल के आर पार भी प्रकाश जा सकता है। और किसी प्रकार का तेल हो, अगर वो बोतल में तेल रहा था और टॉर्च वाला एक्सपेरिमेंट फिर से करते हैं, इधर टॉर्च चलाते हैं बीच में बोतल रख देते हैं, तो इधर का जो टॉर्च से प्रकाश निकला इस बोतल को इस तेल को पार करके उधर आपको दिखाई देगा, तो तेल से भी प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। और क्या है, हवा से तो जा ही सकता है, जहां हवा नहीं वहां से भी प्रकाश जा सकता है ठीक है। और किसी प्रकार का एल्कोहल, किसी प्रकार का शराब ओके, एल्कोहल अर्थात शराब, उसके आर पार भी प्रकाश जा सकता है। और किसके आर पार जा सकता है प्रकाश? कांच, जो कांच होता है ओके, उसके आर पार भी प्रकाश उसके एक तरफ से दूसरे तरफ उसको पार करते प्रकाश जा सकता है। कहने का मतलब क्या है समझिए, ये बोतल है, यहाँ पे पानी है, जल है ठीक है। यहाँ पे अगर हम कोई टॉर्च ऑन करें, यहाँ पे कोई टॉर्च ऑन करें ठीक है, तो यहाँ टॉर्च से जो प्रकाश निकलेगा इस प्लास्टिक को पार करके, इस पानी को पार करके इधर आपको दिखाई देगा। जैसे आप सिंपल सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये मेरा बोतल है, इधर कोई बल्ब जल रहा है, सच में यहाँ बल्ब जल रहा है ठीक है। यहाँ से प्रकाश निकल रहा होगा, यहाँ पे आया प्रकाश इधर आया होगा और इसको पार करके इधर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसको पार करके प्रकाश इधर नहीं जाता तो यहाँ क्या हो जाता, अंधेरा हो जाता, लेकिन इधर अंधेरा आपको दिखाई दे रहा नहीं ना, मतलब इधर से जो प्रकाश आ रहा है इस पानी को पार करते हुए इधर आ गया ठीक है। तो प्रकाश कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ जा सकती है? जहाँ जल, जल के एक तरफ से दूसरे तरफ जा सकती है, जल को पार करके जा सकती है, जल में जा सकती है प्रकाश, किसी प्रकार का ऑयल रहेगा, तेल रहेगा, हवा रहेगा निर्वात, जहाँ हवा नहीं वहाँ भी प्रकाश जा सकती है। जैसा शराब, किसी प्रकार का बोतल में किसी प्रकार का अगर शराब रहा, अल्कोहल रहा, तो यहाँ पे बल्ब ऑन कीजिएगा तब भी प्रकाश इस अल्कोहल को पार करके इधर जा पाएगा। और कांच, अगर कोई कांच रहेगा उसको भी पार करके प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएगा। तो जिन जिन चीजों के आर पार प्रकाश जा सकता है, अर्थात जिन जिन चीजों के से प्रकाश गुजर सकता है, उन सब चीजों को माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन सब चीजों को बोलते हैं माध्यम। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, सिंपल सा अभी समझ लीजिए, माध्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम। जल, तेल, हवा, निर्वात, अल्कोहल, जिसको हिंदी में शराब बोलते हैं, या कांच ओके, ये सब क्या है? एक माध्यम है, इसके आर पार प्रकाश जा सकता है, इससे होकर प्रकाश जा सकता है ठीक है। ये सब क्या है? माध्यम है। इतना चीज समझ में आया कि ये सब चीजों को पार करके प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है, इससे होकर प्रकाश गुजर सकता है। अगर बीच में पानी आ जाए, यहाँ बल्ब जला दे, कोई बल्ब जला दे, या बीच में सादा मैंने सब गंदा पानी नहीं, मिट्टी वाला पानी नहीं, कोई पानी रख दे ठीक है, यहाँ कोई बल्ब जला दे, तो इससे जो प्रकाश निकलेगा इस पानी को पार करके दूसरी तरफ जा सकता है, अर्थात प्रकाश पानी में भी चल सकता है ठीक है। इसी प्रकार इन सब चीजों में प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। तो समझ में आया कि ये सब चीजों को क्या बोलेंगे? माध्यम बोलेंगे। ये क्या है? जल एक अलग माध्यम है, तेल एक अलग माध्यम है, हवा एक अलग माध्यम है, एल्कोहल शराब ये सब एक अलग अलग माध्यम है ठीक है। समझ में, यहां तक लिखिए, मिटा देते इसको। अगर समझ लीजिए, इधर हम बल्ब ऑन किए हैं, इधर सच में बल्ब ऑन है ठीक है,
यहाँ बीच में क्या है, हवा है, मैं यहाँ पे हूँ, बीच में यहाँ हवा है और उधर हमने बल्ब ऑन करके रखा है, ठीक है। ये बीच में अगर यहाँ का हवा सारा निकाल दिया जाए, यहाँ का हवा सारा निकाल दिया जाए, तो तब भी सूर्य का प्रकाश इधर से इधर आ सकता है या बल्ब का प्रकाश इधर से इधर आ सकता है। यहाँ पे अगर हम पानी डाल दें, यहाँ पे अगर पानी डाल दें, तब भी वहाँ पे अगर बल्ब ऑन कीजिएगा तो वहां से पानी को पार करते हुए प्रकाश इधर आ सकता है। अर्थात अगर माध्यम रहे या ना रहे, सूर्य के प्रकाश को या बल्ब के प्रकाश के या मोमबत्ती के प्रकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, माध्यम रहे या ना रहे, वो एक जगह से दूसरे जगह अगर उसको जाना होगा तो वो बिना किसी माध्यम के सहारे के भी जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ लीजिए, यहाँ बल्ब और के इस साइड में बल्ब है मेरा, बल्ब का प्रकाश इसे पड़ रहा होगा, पड़ने के बाद इधर आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे काला नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे किसी प्रकार का काला हमको नहीं दिखाई दे रहा। अगर बल्ब का प्रकाश को हम रोक देंगे तो यहाँ काला हमको बहुत सारा काला दिखाई देगा, ये बोर्ड हमको काला दिखाई देगा, लेकिन अभी काला नहीं दिखा रहा, अर्थात यहाँ से प्रकाश होकर इधर जा रहा है, ठीक है। मैंने पानी से भी प्रकाश, एक पानी के आर पार प्रकाश जा रहा है, ठीक है। अगर इसको हम हटा दें, यहाँ हवा है तब भी प्रकाश इधर जा रहा है, हवा को भी हटा दें तभी प्रकाश इधर से जा रहा है। माध्यम रहे या ना रहे, प्रकाश को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो बिना माध्यम के भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे जो आवाज होता है, हमारा जो साउंड होता है, हम जो बोलते हैं, हमारा जो साउंड होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अगर हम यहाँ जिस रूम में है आप लोग, उस रूम का सारा हवा निकाल दिया जाए, सारा हवा निकाल दिया जाए, तो आप यहाँ पे हैं और मैं यहाँ पे हूँ, आप मेरे बगल में यहाँ खड़े रहेगा, यहाँ का सारा हवा निकाल दिया, इस रूम का सारा हवा निकाल दिया जाए, तो मैं जितना भी जोर से बोलूंगा, जितना भी जोर से चिल्लाऊंगा, आप यहाँ पे रहेंगे तब भी आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि मेरे आवाज को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ अगर बल्ब जला दे और यहाँ बीच में कोई हवा हवा रख, हवा निकाल दे, सारा हवा निकाल दे, यहाँ कोई बल्ब जला दे, हवा निकाल दे, तब भी यहाँ का प्रकाश, यहाँ बल्ब का प्रकाश यहाँ से यहाँ जाएगा, बिना किसी माध्यम के सहारे के जाएगा। लेकिन हमारे आवाज को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हवा की आवश्यकता पड़ती है हमारे आवाज को, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे फिल्मों में आप लोग देखे होंगे कि एक मैंने कार होता है, ठीक है, कार में कोई मैंने हीरोइन है, समझ लीजिए हीरोइन है, कार के उधर हीरो है, ठीक है। हीरोइन क्या करती है, जब खिड़की दरवाजा सारा बंद रहता है तो हीरोइन क्या करती है, मतलब समझ लीजिए कार के दरवाजे को बहुत पीटती उठती है, चिल्लाती है, लेकिन हीरो उस साइड आता है उसको कुछ सुनाई नहीं देता, क्यों, क्योंकि पूरा एयर सील रहता है, कार पूरा एयर सील रहता है, ना इधर का हवा उधर जाएगा, ना उधर का हवा इधर आ पाता है, ठीक है, तो हवा इधर उधर नहीं जा पाता है, इसके कारण हमारा आवाज भी एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता, एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता। हवा को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम हवा की, सॉरी, हमारे आवाज को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी भी माध्यम का, ना पानी, ना जल, ना तेल, ना हवा, किसी भी चीज का आवश्यकता नहीं पड़ेगा प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, ठीक है। समझ में आया, इसको मिटा दे, समझ में, ये सब क्या है, माध्यम, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, माध्यम, ठीक है। माध्यम क्या होता है, जिससे प्रकाश जा सके, जिससे प्रकाश होकर गुजर सके, उसे क्या बोलेंगे, माध्यम, ठीक है, मिटा दे इसको। अब प्रकाश का चार समझते हैं, ओके। प्रकाश का चार, जिसके इंग्लिश में बोलते हैं
स्पीड ऑफ लाइट, इसको याद रखिएगा, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं, ओके, सी से दिखाते हैं स्पीड ऑफ लाइट सी से। अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े तो एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि चाल या स्पीड, चाल हिंदी में चाल, इंग्लिश में स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है। समझ लीजिए आप चल रहे हैं, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ चला, तो मैं 1 सेकेंड में, समझ लीजिए 1 सेकेंड में मैं जितनी दूरी चलूंगा, मैं जितना दूर जाऊंगा वो मेरा क्या कहलाएगा, चाल। समझ लीजिए मैं 1 सेकेंड में 10 मीटर चला, 1 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय किया, तो मेरा चाल क्या होगा, मेरा चाल होगा 10 मीटर पर सेकेंड, अर्थात हर सेकेंड में मैं 10 मीटर चला। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सेकेंड में, हर सेकेंड में मैं कितना मीटर चला, 10 मीटर चला। अगर आप 1 सेकेंड में 5 मीटर चले, 1 सेकेंड में कितना चले, 1 सेकेंड हम काम के घड़ी से 1 सेकेंड हो गया, आप कितना दूर आए, 5 मीटर दूर आए, तो आपका चाल क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अर्थात किसी किसी के द्वारा 1 सेकेंड में वो कितना जाता है, कितना दूर जाता है, वो उसका क्या कहलाता है, चाल कहलाता है, क्या कहलाता है, चाल। आप 1 सेकेंड में जितना दूर जाइएगा, 10 मीटर जाएंगे तो आपका होगा 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर जाइएगा तो 5 मीटर पर सेकेंड, अगर आप 1 सेकेंड में 100 मीटर चाहिएगा था, आपका स्पीड क्या होगा, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आया, 1 सेकेंड में आप जितना चले। उसी प्रकार प्रकाश जो है, प्रकाश सूर्य है, ये पृथ्वी है, ओके, सूर्य है, ये पृथ्वी है, ठीक है, इन दोनों का बीच का दूरी है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर समथिंग ऐसा है, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश यहाँ से यहाँ आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश खुद दूर जाता होगा, 1 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश खुद दूर जाता होगा, उसे करते करते 8 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच जाता होगा, 8 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच जाता होगा। तो 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश जितना जाएगा, जितना दूर जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का चाल, ठीक है। हर एक माध्यम में, जिस प्रकार हम, अगर प्लेन रोड रहता है, अगर समतल रोड रहता है, तो हम गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं, गाड़ी बहुत स्पीड से चलाते हैं, ठीक है। और वही उबड़ खाबड़ रोड रहता है, तो हमारा जो स्पीड रहता है वो कभी कम जाता है, कभी बेसी हो जाता है, ठीक है। जो हमारा चाल रहता है वो कभी कम कभी बेसी हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार हर एक माध्यम में जो प्रकाश का चाल है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। समझ में, हर 1 सेकेंड में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का चाल कहलाता है, प्रकाश का चाल कहलाता है। और हर एक माध्यम में प्रकाश का चाल क्या होता है, अलग अलग होता है। हम लोग दो तीन माध्यम का चाल डिस्कस कर देते हैं। निर्वात, निर्वात में प्रकाश का चाल, अर्थात जहां हवा नहीं है वहां प्रकाश 1 सेकेंड में कितनी दूर जाता है, तो वहां प्रकाश का चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, यह इकाई दहाई से 10 मीटर, 3 × 10⁸ मीटर माने इतना मीटर, कितना है, इकाई दहाई से 1,010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 ,
धुआं कितना मीटर जाता है, 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है एक सेकंड में। एक सेकंड में यहां से प्रकाश निकला, एक सेकंड में कितना जाता होगा, 30 करोड़ मीटर। ठीक है, एक सेकंड में प्रकाश कितना दूर जाता होगा, 30 करोड़ मीटर। जैसे सूर्य का प्रकाश हो, बल्ब का, किसी भी प्रकाश हो, एक सेकंड में कितना जाएगा, 30 करोड़ मीटर। कहां पे, जहां हवा नहीं है। ठीक है, उसे करते करते 8 सेकंड में पूरा 15,000 करोड़ जो भी है यहाँ का डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है, यहाँ का डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकंड में यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कवर कर लेता है। लेकिन एक सेकंड में प्रकाश कितना जाता है, 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ हवा नहीं है। तो कोई पूछ देगा कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब तो हर एक सेकंड प्रकाश 30 करोड़ मीटर चाहता है, और जहाँ हवा है, हवा में प्रकाश
चाल, अर्थात जहाँ हवा है वहां प्रकाश कितना स्पीड से चलता है, एक फ्रेम में कितना दूर जाता है, वहां भी प्रकाश का चाल आता है सेम, इतना ही रहता है। ठीक है, ये दोनों दोनों लगभग लगभग सेम है। ठीक है, दोनों दोनों लगभग क्या है, 10^8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 10^10 अर्थात 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करता है, जहाँ हवा नहीं है वहां भी और जहाँ हवा है वहां भी। ठीक है, जल में, जल भी एक माध्यम है, जल में प्रकाश का चाल कितना होता है, 2.26 × 10^8 मीटर। सबसे अधिक अगर प्रकाश का चाल किस माध्यम में होगा अगर पूछ दिया तो होता है निर्वात में, अर्थात जहाँ हवा नहीं वहाँ, और हवा जहाँ हवा है वहाँ। इन दोनों में लगभग लगभग बराबर होता है, लेकिन इसमें ज्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कम होता है, दोनों को बराबर बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, पूछ देता है कि निर्वात में प्रकाश का चाल कितना है, 3×10^8 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में प्रकाश कितना जाता है, 30 करोड़ मीटर दूर जाता है, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर दूर जाता है। ठीक है, मीटर में है, किलोमीटर में नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, हवा में प्रकाश का सेम है, इसके बराबर है। जल में प्रकाश का चाल कितना है, 1 सेकंड में कितना दूर जाता है, 2.26 × 10^8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो सबसे अधिक सर्वाधिक अगर चाल किस माध्यम में होगा तो निर्वात में, जहाँ हवा नहीं वहाँ पे प्रकाश का चाल क्या है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्रकाश का चाल हर एक माध्यम में, प्रकाश का जो चाल आता है अलग अलग होता है, इन दोनों माध्यम में लगभग लगभग बराबर होता है, इसलिए दोनों को एक ही, मैंने एक ही संख्या द्वारा दोनों को दिखा दिए, 10^8 मीटर, लगभग लगभग बराबर होता है। ठीक है, दोनों माध्यम, जहाँ हवा है और जहाँ हवा नहीं है, दोनों जगह लगभग लगभग बराबर होता है। उसके बाद सारे माध्यम, जितना भी माध्यम है उसमें कम होता है, इस माध्यम के कंपेयर में उसके बाद सब में क्या होता है, कम होता है। तीन वो को याद रखिएगा, कोई भी पूछ देगा। ठीक है, हमेशा पूछते रहता है, हवा में प्रकाश का चाल कितना है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, सी का वैल्यू क्या है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ लाइट का मान कितना है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर ऐसे पूछ दिया कि प्रकाश का चाल कितना है, तो 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, प्रकाश का चाल जल में कितना है, 2.26 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, इसको मिटाते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश कैसे रास्ते पे चलता है। ठीक है, प्रकाश का पथ, प्रकाश हमेशा सीधे पथ में रास्ता, पथ पर गमन में चलना, गमन करता है। प्रकाश हमेशा सीधे पथ पर गमन करता है, इस बात को हमेशा याद रखिए। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अगर बल्ब जला दिए, कोई बल्ब जला दिए, यहाँ पे कोई बल्ब जला है तो प्रकाश, यहाँ पे अगर कोई बल्ब जला दिए तो प्रकाश यहाँ से निकलेगा तो सीधा आएगा। ठीक है, यहाँ से प्रकाश सीधा आएगा, ये नहीं कि प्रकाश इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, नहीं, प्रकाश यहाँ बल्ब चला तो प्रकाश यहाँ से सीधा मेरी तरफ आएगा। प्रकाश हमेशा सीधे पथ पर, सीधे रास्ते पर गमन करता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गमन नहीं करता। हम लोग क्या होता है, बीच में कोई मोड़ आ जाता है तो कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी इधर मुड़ जाते हैं। ठीक है, हम लोग कभी इधर मुड़ जाते हैं, फिर मोड़ आ गया तो इधर मुड़ जाते हैं, लेकिन प्रकाश सीधा जाएगा। यहाँ से अगर बल्ब जलाए तो यहाँ से प्रकाश सीधा निकल के यहाँ तक जाएगा, जहाँ उसको जाना हो, टेढ़ा मेढ़ा मुड़ के वो नहीं जाएगा। ठीक है, प्रकाश हमेशा सीधे पथ, सीधे रास्ते पर गमन करता है। इसको हम लोग बचपन में एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझे होंगे, अगर देखे होंगे तब। ओके, एग्जाम्पल क्या था, ये टेढ़ा पाइप से, समझिए टेढ़ा पाइप है, एक मोमबत्ती जला दी है, ठीक है, एक टेढ़ा पाइप है, एक सीधा खोखला पाइप है। ठीक है, ये मेरा आँख है, समझ लीजिए ये क्या है, आँख है, ये क्या है, आँख, समझिए एक टेढ़ा पाइप है, एक टेढ़ा पाइप है, टेढ़ा पाइप को यहाँ पे हम एक टेढ़ा खोखला है, ठीक है, अंदर से क्या है, खोखला है। ठीक है, टेढ़ा खोखला पाइप को यहाँ लगा के हम इस प्रकाश को देखने की कोशिश करेंगे, इस मोमबत्ती के लो को देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रकाश सीधा इधर से आया होगा इधर, और यहाँ पे यहाँ सीधा जाना चाहता होगा, लेकिन यहाँ मोड़ आ गया, लेकिन प्रकाश इधर मोड़ नहीं पाया, यहीं पे प्रकाश रुक गया। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि हम यहाँ से सीधा देखे तो ये मोमबत्ती का लो हमको दिखाई दिया, क्यों दिखाई दिया, यहाँ से प्रकाश सीधा जा सका, प्रकाश
प्रकाश सीधे पथ से जाता है, इसीलिए प्रकाश इस सीधे पाइप से जा सका और यह हमको यहाँ पे दिखाई दिया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझे कि सीधा रास्ता अगर प्रकाश को मिलेगा तो प्रकाश चला जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता मिलेगा तो प्रकाश नहीं चल पाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इस पॉइंट पे आ गए कि प्रकाश हमेशा सीधे पथ यानी रास्ते पर गमन करता है, अर्थात चलता है। इसको हम समझ गए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधे पथ पर गमन करता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर गमन नहीं करता है, ठीक है। अब समझते हैं माध्यम जो था प्रकाशीय माध्यम कैसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, सिंपल सा एग्जांपल है, समझिए, ठीक है, डेफिनेशन है, ओके। क्या जिस माध्यम से प्रकाश का गमन संभव हो उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश का गमन अर्थात चलना, इसका मतलब जहां से जा सके, जहां से गुजर सके, गुजर सके, ठीक है, गुजरना, जहां से होकर वो गुजर सके, जिस माध्यम से प्रकाश गुजर सके अर्थात जा सके, उस माध्यम को हम लोग बोलेंगे प्रकाशीय माध्यम। अर्थात ये पानी एक माध्यम है और यहाँ बल्ब चलाएंगे, बल चलाएंगे तो प्रकाश इस पार से इस पार होगी, पानी से होकर गुजर सकेगा, तो पानी क्या कहलाएगा मेरा, प्रकाशीय माध्यम। पानी क्या है, प्रकाशीय माध्यम, अर्थात जल क्या है, प्रकाशीय माध्यम। तेल भी क्या हो जाएगा, प्रकाशीय माध्यम, क्योंकि तेल के आर पार भी प्रकाश जा सकता है, तेल से होकर भी प्रकाश जा सकता है। और क्या हो सकता है, एल्कोहल यानी शराब, शराब के आर पार भी प्रकाश जा सकता है, किसी प्रकार का कांच, ये सब चीजें क्या हो जाएगी मेरे, प्रकाशीय माध्यम, अर्थात इससे होकर प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकता है। ये प्लास्टिक, ये इस कलर का, इस टाइप का प्लास्टिक, देखिए यहाँ से प्रकाश निकला, इस प्लास्टिक को पार करते हुए इधर आ पा रहा है, इधर आ पा रहा है, इसी कारण यहाँ पे काला नहीं है, यहाँ पे काला नहीं है, ठीक है। अगर ये यहाँ के प्रकाश को रोक देता, यहाँ पूरा काला हो जाता। जैसे मेरा ये जो हाथ है, ठीक है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो हम प्रकाश को रोक रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे काला, यहाँ पे बहुत सारा काला दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये प्रकाश को नहीं रोकता, इसीलिए यहाँ पे काला नहीं दिखाई पा रहा है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक भी क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम। प्लास्टिक भी क्या होगा, प्लास्टिक क्या होगा, प्रकाशीय माध्यम, अर्थात प्लास्टिक को भी पार करके प्रकाश, प्लास्टिक के अंदर से भी प्रकाश गुजर सकता है, इसका गमन करना, प्रकाश का गमन करना था, इसको भी पार करके प्रकाश जा सकता है। तो ये सारी चीजें, ये सारे माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन कर सकता है, गुजर सकता है, उसका गुजरना संभव हो, वे सारा माध्यम क्या कहलाएगा, प्रकाशीय माध्यम। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है समांग माध्यम। प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, दो माध्यम, दो प्रकार के, एक होता है समांग माध्यम। समांग माध्यम क्या होता है, समझ लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, एक रास्ते पे जा रहे हैं, उस रास्ता में हर समय आपका गाड़ी का जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति हावर, हर एक घंटा में आप 120 किलोमीटर जा रहे हैं, समझ लीजिए, यह ऐसा प्लेन रास्ता है, यहाँ गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपका स्पीड था 120 किलोमीटर, गाड़ी का जो स्पीड दिया रहता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे भी आपका स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरे रास्ते आपका स्पीड कहीं चेंज नहीं हुआ। उसी प्रकार प्रकाश अगर किसी माध्यम से होकर गुजर रहा है, समझ लीजिए यहाँ हवा है, यहाँ क्या है, हवा है, अगर यहाँ पे प्रकाश का हम जो चाल है वो देखें तो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है, फिर यहाँ पे देखिए प्रकाश का चाल तो वो भी कितना हुआ, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अर्थात इस माध्यम के प्रत्येक भाग में
प्रकाश का जो चाल रहेगा, स्पीड रहेगा, वो अगर समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, ना कभी कमेगा ना कभी बढ़ेगा, हमेशा प्रकाश 3 to 10^1 m/s की स्पीड से ही जाएगा। जैसे आप गाड़ी भगाएंगे हमेशा एक ही स्पीड से भगाएंगे, ये नहीं कि कभी कम कभी बेस, हमेशा 20 किलोमीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार प्रकाश अगर किसी माध्यम में गया और हर माध्यम के हर जगह पे उसका स्पीड अगर समान रहेगा, एक समान रहेगा, तो वो माध्यम प्रकाश के लिए, वो जो प्रकाश के माध्यम था वो क्या कहलाएगा, समान माध्यम, अर्थात वह माध्यम जिसके प्रत्येक भाग में प्रकाश का चाल एक समान रहता है, उसे समान माध्यम कहते हैं। समझ में आया? अगर आपका स्पीड हमेशा एक प्रकाश का जो स्पीड है हमेशा एक समान रहेगा, उस माध्यम में पानी में प्रकाश घुस गया, समझ लीजिए इस पानी में प्रकाश घुस गया, यहाँ से होकर प्रकाश इधर आया, तो यहाँ पे हर हर जगह पे अगर स्पीड अगर एक समान रहेगा, 2.26 × 10^8 m/s, यहाँ भी 2.26 × 10^8 m, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ हर भाग में, पानी के हर भाग में अगर प्रकाश का जो चाल है एक ही समान रहेगा, तो ये जो पानी है उस प्रकाश के लिए क्या कहलाएगा, समान माध्यम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, हवा, पानी, शुद्ध पानी, ओके, कैसा पानी, शुद्ध पानी, शुद्ध पानी कहने का मतलब मैंने ऐसा साफ पानी, ठीक है, ये नहीं कि इसमें बहुत प्रकार का गंदगी कचरा उचरा हो, ऐसा नहीं, शुद्ध पानी, साफ पानी, मिनरल वाटर, शुद्ध पानी, या फिर किसी प्रकार का कांच, ये सब में प्रकाश का जो स्पीड रहता है, प्रकाश का जो चाल रहता है हमेशा एक समान रहेगा, ना कभी कमेगा ना कभी बढ़ेगा, हमेशा एक समान। अगर प्रकाश का हवा में रहेगा तो हमेशा 3 × 10^8 m/s, अगर पानी में रहेगा तो 2.26 × 10^8 m/s, हर एक जगह पे, हर एक कण में, हर एक भाग में पानी के हर एक स्पीड क्या रहेगा, एक ही समान रहेगा, तो वो पानी क्या कहलाएगा, समान माध्यम, ठीक है। समझ में आया, समान माध्यम किसे कहते हैं, अगर स्पीड हमेशा एक समान रहेगा तब, तो असमान माध्यम किसे कहेंगे, असमान माध्यम, स्पीड क्या होगा, कभी कमेगा कभी बढ़ेगा, उस माध्यम में, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का जो चाल होता है वो कभी कमेगा कभी बढ़ेगा, एक समान नहीं रहता, वह माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल हमेशा एक समान नहीं रहता है, उस माध्यम को असमान माध्यम कहते हैं। तो इस माध्यम में स्पीड जो रहेगा हमेशा कम होगा बेसी होगा, उस प्रकार के माध्यम को क्या बोलेंगे, असमान माध्यम। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है हमारा वायुमंडल, वायुमंडल, ओके, वायुमंडल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की चीजें होती है, जैसे हवा होता है, हवा के साथ धूमकण होता है, ओके, ओस होता है, ओके, तो बहुत सारी चीजें मिलाकर हमारा वायुमंडल बनता है। तो कभी ओस में प्रकाश का जो स्पीड आता है कभी कम जाता है, कभी फिर धूमकण आ जाता है, फिर हवा आता है, तो हमारा पूरा जो वायुमंडल है, सिर्फ हवा का बात नहीं कर, वायुमंडल में बहुत सारी चीजें होता है, ओस, धूमकण, बहुत सारी चीजें होता है, तो हमारा वायुमंडल होता है उसके हर एक भाग में प्रकाश का जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो क्या होता है, कभी कमता है कभी बढ़ता है, एक समान नहीं रहता, कॉन्स्टेंट नहीं रहता, हमेशा अलग होता है, कभी ज्यादा कभी कम होता है। तो हमारा वायुमंडल क्या है, प्रकाश के लिए एक असमान माध्यम का उदाहरण है, ठीक है, इसको समझ लिए हम लोग। अब समझते हैं कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है। हम लोग अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं
बहुत सारा चीजें देखते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें प्रकाश लाइट मिलता है, कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें लाइट मिलता है, और कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे हमें लाइट प्रकाश किसी प्रकार का प्रकाश नहीं मिलता। तो इस आधार पर हम दो, जिस किसी चीज से प्रकाश मिल रहा है किसी चीज से प्रकाश नहीं मिल रहा है, इस आधार पर हम किसी भी वस्तु को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत। ओके, पहला क्या है, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत, वे सारी वस्तु हैं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे दीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे सारी चीजें, वे सारी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, हमें प्रकाश मिलता है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगे, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत। इसका एग्जाम्पल आप खुद दे सकते हैं, किस किस चीज, आप ही सोचिए आपको किस किस चीजों से आपको प्रकाश मिलता है, लाइट मिलता है। पहला तो दिमाग में आएगा सूर्य, हाँ सही है, उसके बाद तारा, रात को तारा होता है, ठीक है, तारों से, नक्षत्र अगर पढ़े हुए तो नक्षत्र से, ओके, और बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उससे मिलता है, मोमबत्ती, बस इतना ही चाहिए, ठीक है, और जो भी है, जुगनू जो होता है, जो इंसेक्ट होता है, जुगनू होता है कीट पतंग, उससे भी लाइट, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लाइट मिलता है, ठीक है, तो वो सब चीज किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, दीप्तिमान प्रकाश होता था जिससे हमें लाइट मिल रहा है, जिसमें स्वयं का लाइट हो, खुद का लाइट हो, और वो हमें लाइट देगा, किसी चीज को देखने के लिए वो हमें लाइट देता है। ओके, तो ये सारी चीजें जिसमें लाइट है, जिससे हमें लाइट प्राप्त होता है, उसे क्या कहेंगे, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत। दूसरा क्या है, तो कुछ ऐसी भी चीजें होती है जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलता, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत, ठीक है, वे सारी वस्तुएं जिससे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, उसे अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं, समझ में, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल, वे सारी चीजें जिससे हमें किसी प्रकार का लाइट नहीं मिला, पहले ये मेरा मार्कर, इससे आपको लाइट मिलता है, नहीं, इससे किसी प्रकार का लाइट हमको नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा क्या, जो हमारा चंद्रमा होता है उससे भी हमें किसी प्रकार का लाइट, मून जो होता है उससे भी किसी प्रकार का लाइट नहीं मिलता। हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर, चंद्रमा पर पड़ता है, फिर उससे वो हमें लाइट देता है, तो जो चंद्रमा होता है उसमें भी स्वयं का लाइट, खुद का लाइट ही होता है, वो सूर्य के प्रकाश से लाइट मिलता है, वो हमें लाइट देता है, उसमें उसमें तो खुद का लाइट नहीं है ना, तो जिसमें स्वयं का लाइट नहीं हो, खुद का लाइट नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे, अदीप्तिमान प्रकाश स्रोत। पृथ्वी, पृथ्वी में खुद का लाइट नहीं है, ठीक है, आपका किताब, उसमें भी, कुर्सी और क्या, बहुत सारी चीजें, पेन, पेंसिल, कलम, ठीक है, इन सब किसी भी चीजों से हमें लाइट नहीं मिलता। बोतल, ठीक है, ये बोतल, इससे भी आपको किसी प्रकार का लाइट मिलता है, नहीं, ये क्या लाइट देता है, नहीं, इसमें किसी प्रकार का लाइट नहीं है, ये किसका एग्जाम्पल होगा, अदीप्तिमान,
लेकिन जो बल्ब हम जला के रखे हैं या आप जला के रखे होंगे उससे हमें लाइट मिलता है, तो किसका एग्जाम्पल होगा, दीप्यमान प्रकाश स्रोत। अर्थात हम अपने आसपास की चीजों को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है, आप ही बांट के देखिए। हम अपने आसपास की सारी चीजों को दो भागों में बांट सकते हैं, एक जिससे जिसमें स्वयं का लाइट हो, खुद का लाइट हो उससे हमें लाइट मिलेगा, और एक जिसमें किसी प्रकार का लाइट नहीं हो उससे हमें किसी प्रकार का लाइट नहीं मिलेगा। तो आप भी अपने अगल बगल की चीजों को दो मैंने तीन दो श्रेणियों में बांट के देखिए, कौन दीप्तिमान है कौन अदीप्तिमान है, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक है, डाल देते हैं, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाश किरण बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो प्रकाश किरण पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी का आपका यूज होगा पूरे प्रकाश जो चैप्टर है उसमें। प्रकाश किरण जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कोई मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम पढ़ा दे रहे हैं जिसका पूरा यूज होगा, समझ लीजिए पूरा, ये जो आप परिभाषा आएगा उसका पूरा यूज होगा। क्या है प्रकाश किरण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। क्या सिंपल सा है, यहां हमने मोमबत्ती जला दी है, मोमबत्ती जला दिए या बल्ब जला दिए, कुछ भी जला दिए, दीप्तिमान प्रकाश स्रोत कुछ भी जलाएंगे उससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश क्या वैसे निकलेगा। यहाँ पे हम खड़े हैं, देखिए हम किसी चीज को तभी देख पाते हैं जब उससे प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पड़ेगी, तभी हम उस चीज को देख पाएगा। गौर कीजिएगा, आप घर में बल्ब जलाते हैं तो बल्ब जलाते हैं तब उससे प्रकाश निकल के आपकी आंखों तक पड़ता है, तब आप बल्ब दिखाई देता है, नहीं तो बल्ब बंद रहता तो क्या आपको बल्ब दिखाई देता है, नहीं, लेकिन बल्ब ऑन करते हैं तो वो आपको बल्ब दिखाई देता है। तो जिससे जिससे होकर प्रकाश किसी चीज से पढ़ के इससे प्रकाश आएगा या इसमें खुद का प्रकाश आएगा, वो हमारे आंखों तक पहुंचेगा तभी हम उसको देख पाएंगे। चलिए यहाँ मेरा आंख है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, यहाँ पड़ेगा मेरे आंखों तक पड़ेगा, जिस कारण हम इस मोमबत्ती के लोक को देख पाएंगे। अब देखिए यहाँ से प्रकाश जाएगा अर्थात ऐसे सीधा जाएगा, प्रकाश टेढ़ा नहीं जाता, हमेशा सीधा रास्ता पे ऐसे जाएगा, ठीक है। प्रकाश इधर से इधर जा रहा है तो हमें एरो से दिखा दी कि प्रकाश इधर से इधर गया, ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान है, ये क्या दिखा रहा है कि प्रकाश सीधा गया है और प्रकाश इस मोमबत्ती या मोमबत्ती से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचा है। ये तीर का निशान क्या बताते हैं कि इधर से प्रकाश इधर की तरफ गया है, और ये लाइन क्या बताते हैं, प्रकाश ऐसे सीधा गया है, ठीक है। तो हम जब प्रकाश के प्रकाश यहाँ से प्रकाश गया, इस रास्ते से प्रकाश गया, तो इस रास्ते को दिखा, प्रकाश के रास्ते को दिखाने के लिए जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो इस चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। परिभाषा क्या है प्रकाश किरण की, प्रकाश के पथ यानी रास्ते को हम जिस सीधे सीधे रेखा के द्वारा द्वारा दिखाते हैं, उस सीधी रेखा को प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में, प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के रास्ते को हमको दिखाना है तो हम एक सीधी रेखा खींचती है, और प्रकाश की दिशा को अर्थात प्रकाश इधर से इधर गया उसके लिए एरो बना दिए, ये जो मेरा एक सीधा रेखा दिखा दिए जिसके द्वारा हम प्रकाश के रास्ते को दिखाएंगे, प्रकाश इस तरफ से इस तरफ गया है वो दिखाएंगे, तो सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। प्रकाश के पथ को हम जिस प्रकाश के पथ है रास्ते को जिस रेखा के द्वारा दिखाते हैं उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। सिंपल सा एग्जाम्पल, यहाँ कोई बल्ब जला दिए, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से प्रकाश इधर जाएगा तो हम एक एरो द्वारा दिखाएंगे, ऐसे सीधे रेखा द्वारा दिखाएंगे प्रकाश इधर से इधर जाए, अगर एरो ऐसे बना दिए तो गलत हो जाएगा, ये प्रकाश किरण नहीं, आप क्या दिखा रहे, इस एरो के द्वारा दिखा रहे प्रकाश इधर से इधर है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, प्रकाश किधर से किधर गया, इधर से इधर गया, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है, प्रकाश इधर से इधर गया, ये सीधी रेखा और एरो क्या दिखाता है, प्रकाश इधर से इधर गया, ये सीधी रेखा क्या बता रहा है कि प्रकाश ऐसे सीधा गया है, तो जिन सीधी रेखा के द्वारा हम ये सब दिखा रहे हैं उन सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। इसका बहुत यूज होगा,
इन चीजों का बहुत यूज होगा, एरो जो है इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। एरो क्या बताता है, प्रकाश किधर से किधर की तरफ गया है और कैसे सीधा गया या टेढ़ा गया, ये सब बताता है प्रकाश किरण। समझ में आया, इसको मिटाते हैं, डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, मिटा दिए। ओके, अब आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, किया तो आज का लास्ट टॉपिक क्या है उसको पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आप देखिए, कुछ कुछ ऐसी चीज होती है जिसको आर पार प्रकाश जा सकता है, कुछ कुछ ऐसी चीज होती है जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा सकता, ठीक है। मतलब चलिए, आप इस रूम में है, जिस रूम में है, ठीक है, आप इस रूम में बहुत सारा बल्ब लगा दिए, ठीक है, दीवार वाल बनाए, बल्ब लगा दिए, ठीक है, बल्ब लगा दिए, ठीक है, दीवार है, चारों तरफ दीवार है, बल्ब लगा दिए, चार पांच बल्ब लगा दिए, ठीक है। आप दूसरे रूम में जाके देखिएगा तो आप बोलिएगा, अभी तो बगल में हम बहुत चार पांच बल्ब लगाए हैं, लेकिन इस तरफ तो अंधेरा ही है, बल्ब इस रूम से दूसरे रूम में जाएंगे तो उस तरफ तो अंधेरा ही मिलेगा। तो आप सोचिएगा, वहां से जो प्रकाश, वहां जो बल्ब था, चार पांच बल्ब लगा दिए हम, ठीक है, उस बल्ब से प्रकाश निकला, तो क्या इस दीवार को पार करके उस तरफ नहीं जा पाया, नहीं जा पाया, इसलिए तो उस तरफ अंधेरा, उस रूम में दूसरे रूम में क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, इस रूम में बहुत उजाला रहेगा, ठीक है, चार पांच बल्ब लगा के गए, इस रूम में बहुत उजाला है, ठीक है, लेकिन दूसरे रूम में गए, ठीक है, इससे सटा हुआ रूम है, उससे गए, उसमें किसी प्रकार का बल्ब नहीं जलाया है, ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो क्या इस बल्ब, इस घर में जो बल्ब जलाए थे, इस घर में जो बल्ब जलाए थे, उससे उस घर में उजाला नहीं होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में आ गया दीवार, बीच में क्या आ गया, दीवार, दीवार क्या करता है, इस घर में जितना भी प्रकाश है ये दीवार में पड़ा, ये दीवार उसको उस तरफ जाने से रोक देता है, उस तरफ जाने से क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, ये प्रकाश के रास्ते में रुकावट आया, प्रकाश को ये रास्ता को क्या किया, ये दीवार रोक दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रकाश को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए नहीं जाने देती, अपने अंदर से होकर गुजरने नहीं देती। तो उन सब चीजों को हम लोग अपारदर्शी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। लेकिन यही अगर दीवार की जगह कांच का दीवार आता, यहाँ पे बल्ब लगाते और एक कांच के दीवार से पार करके दूसरी तरफ, आपका जो एक ही घर में आपको बल्ब लगाना पड़ता, दोनों घर में बल्ब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्यों, क्योंकि कांच, यहाँ जो बल्ब रहेगा, बल्ब का जो रोशनी होगा, वो रोशनी इस कांच को पार करके दूसरे रूम में भी आपका जाएगा। तो प्रकाश जिसको पार करके दूसरी तरफ जा पाता है उसको बोलते हैं पारदर्शी, जिसको पार करके प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता उसको बोलते हैं अपारदर्शी, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं पारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी, वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश जा सकती है उसे पारदर्शी कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आप समझिए, ठीक है, वे सारी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश जा सकती है, अर्थात आपका जो कांच है, कांच देखिएगा, इसका सिंपल एग्जाम्पल सब रिलेट कर पाएगा, ठीक है, फुचका का, फुचका, फुचका खाना है, ठीक है, फुचका का ये कांच रहता है, कांच में समझ लीजिए मोमबत्ती या बल्ब जला रहता है, ठीक है, यहाँ बहुत सारे फुचका रखा रहता है, ठीक है, पूरा कांच पैक रहता है, या मिठाई का दुकान में कांच में पैक रहता है, वह बल्ब भी जला रहता है, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आप इस बल्ब को देख पाते हैं, इस बल्ब को आप देख पाते हैं, ठीक है, यहाँ से जो प्रकाश निकला इस पार करके इधर आपके आंखों तक पहुँच पाता है, यहाँ इसको पार करके प्रकाश आपकी आंखों तक पहुँच पाता है, अर्थात ये जो कांच है, कांच के आर पार प्रकाश जा सकता है, कांच को पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ प्रकाश जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसके आर पार प्रकाश जा सकता है, वो सारी चीजें जिसके आर पार प्रकाश इधर से इधर, इधर से इधर प्रकाश जा सकता है, उन सब चीजों को क्या बोलेंगे, पारदर्शी। तो हमारा जो कांच होता है वो क्या होता है, पारदर्शी। कैसा, किस प्रकार का कांच, वो कांच जो घड़ी में होता है ना, घड़ी में, या फिर मिठाई का दुकान में जो कांच रहता है, उस कांच का यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कांच क्या होता है, पारदर्शी होता है। उस तरफ बल्ब, इस तरफ समझ लीजिए बल्ब जला के रखिएगा, कांच बीच में रख दीजिएगा, और इधर इधर आप खड़े रहेगा, तो इस बल्ब का प्रकाश इधर इस कांच को पार करके दूसरी तरफ इधर भी आ जा पाएगा, ठीक
ठीक है। तो ये जो कांच एक माध्यम था, ये कैसा माध्यम होगा? पारदर्शी माध्यम होगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश इसको पार करके एक तरफ से दूसरी तरफ आ पाया। तो कांच क्या है? कांच एक पारदर्शी वस्तु है, पारदर्शी माध्यम है। दूसरा क्या? शुद्ध पानी। शुद्ध पानी ये भी क्या है? पारदर्शी होता है, अर्थात इसके एक इधर यहाँ कोई एक्वेरियम समझते हैं ना, एक्वेरियम कांच है, कांच में पानी है, सफेद पानी मतलब शुद्ध पानी है, इधर कोई बल्ब जला दिए तो इस कांच को, कांच के आर पार प्रकाश जा सकता है या पानी के आर पार प्रकाश जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पानी आ जाएगा, बीच में पानी आ जाएगा, मैंने समझ लीजिए उधर बल्ब जला है, बीच में बहुत सारा पानी आ गया, मैंने शुद्ध पानी आ गया, उधर बल्ब जला के इधर भी प्रकाश अगर आना चाहेगा तो प्रकाश इस यहाँ से बल्ब से प्रकाश निकला है, इस पानी को पार करते हुए इधर आ पाएगा, लेकिन बीच में यहाँ दीवार आता तो प्रकाश इस तरफ से इस तरफ नहीं आ पाएगा, लेकिन अगर पानी का दीवार आएगा तो प्रकाश इस तरफ से इधर आ पाएगा, अर्थात प्रकाश जो पानी है वो क्या कहलाएगा? मेरा पारदर्शी। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक भी क्या होता है? पारदर्शी। ठीक है, ये भी क्या होता है? पारदर्शी। इसको आप पार करके प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाए तो ये प्लास्टिक क्या है? पारदर्शी प्लास्टिक। ठीक है, तो प्लास्टिक भी क्या होगा? पारदर्शी। अब रंगीन प्लास्टिक का हम बात नहीं कर रहे, ठीक है, रंगीन प्लास्टिक के एक आर पार प्रकाश नहीं जा पाता, कुछ भाग प्रकाश का, कुछ लुक मतलब बहुत कम प्रकाश जा पाता है, लेकिन ये सब प्लास्टिक जो भी बोतल का प्लास्टिक है उसमें पूरा प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाता है। तो ये सारी चीजें जिसके आर पार प्रकाश जा सकते हो क्या कहलाएगा? पारदर्शी। ठीक है, दूसरा क्या है? अपारदर्शी, वे सारी वस्तु जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाती, वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाती है उसे अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारा जो दीवार है या किताब होता है, ठीक है, किताब को अपने आप क्या, किताब को किसी प्रकार की किताब को समझ लीजिए, किताब है, ठीक है, ये किताब है, यहाँ बल्ब है, यहाँ बल्ब जल रहा है, इस किताब को यहाँ पे रख देंगे तो ये यहाँ से जितना भी प्रकाश निकल रहा है ये इस किताब पे पड़ेगा, ये इधर रोक देगा, इधर क्या करेगा, ये रोक देगा, प्रकाश को रोक देगा, प्रकाश इसको पार करके इस तरफ नहीं जा पाएगा, इस तरफ नहीं जा पाएगा, तो ये जो मेरा किताब है या कॉपी है क्या कहलाएगा? अपारदर्शी, अर्थात प्रकाश इसके एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाया। और क्या? मेरा हम लोग का जो शरीर होता है, हाथ होता है, वो भी क्या होता है? पारदर्शी। आप अपने आंख को बंद कर लीजिए, आंख को बंद करने पे आपको सारा अंधकार दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि जो ये मतलब मेरा जो ये होता है ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है, प्रकाश इस पे पड़ता है, इसको पार करके प्रकाश दूसरी तरफ हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए सब चीज हमें क्या दिखाई देता है? अंधेरा, अंधेरा मतलब काला दिखाई देता है, अंधेरा हो जाता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश जो आ रहा है यहाँ तक पड़ रहा है लेकिन इसको पार करके प्रकाश हमारी दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। तो हमारा जो त्वचा होता है वो भी क्या होता है? अपारदर्शी का उदाहरण है। ठीक है, त्वचा भी क्या है? हमारा अपारदर्शी, त्वचा के इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। तीसरा होता अध पारदर्शी या पारभासी, ये क्या होता है? नाम से पता चल गया, अर्ध पारदर्शी रहता है, आधा पारदर्शी, अर्थात वे सारी वस्तुएं जिसमें थोड़ा बहुत प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाए, वे सारी वस्तुएं जिसके आर पार थोड़ा बहुत प्रकाश प्रकाश जा सकती हो उसे पारभासी या अपारदर्शी कहते हैं।
इसका एग्जांपल क्या होगा? थोड़ा बहुत प्रकाश के थोड़ा बहुत प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ जा पाएगा, ठीक है। भिंगा ओस से भिंगा कांच, कांच क्या पूरा पारदर्शी है, लेकिन जब कांच सुबह सुबह जब शीत का मौसम होता है तो कांच जब ओस से भींग जाता है, ओस से भींग जाता है तो कांच क्या हो जाता है, अर्ध पारदर्शी। इसका बेस्ट एग्जांपल देखे होंगे कि अब गाड़ी में अगर बैठे होंगे, गाड़ी में अगर बैठे होंगे तो कांच आगे में ड्राइवर के आगे कांच लगा रहता है, तो जब बारिश उरिश नहीं होता तो कांच कैसा होता है, पारदर्शी होता है। कांच के आर पार आपको मैंने उधर से प्रकाश एक कांच को पार करके दूसरी तरफ आ जा पाता है, जिसके कारण आप कांच के इधर से उधर देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बारिश होने लगता है तो हाँ कांच क्या होता है, अर्ध पारदर्शी हो जाता है। क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रकाश उधर से इधर आ पाता है, इसलिए हम लोग ये वाला रखते हैं सफाई के लिए। ये वाला जो ऐसा होता है वो पानी हटाता है, तथा जो ओस ओस होता है पानी होता है पानी की बूंद, उसको क्या करता है, वो साफ करता है, जिसके कारण कांच फिर से क्या बन जाता है, पारदर्शी। तो जब भी ओस या पानी से कांच भींग जाता है तो कैसा होता है, अर्ध पारदर्शी, था थोड़ा बहुत प्रकाश इधर से इधर आ पाएगा, पूरा प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता। टिशू पेपर में क्या होता है, अर्ध पारदर्शी होता है। टिशू पेपर को अगर किसी बल्ब के सामने रखेगा तो, अगर टिश्यू पेपर को नहीं रखेगा तो पूरा प्रकाश आपको दिखाई देगा, लेकिन टिश्यू पेपर को बल्ब के सामने रख दीजिएगा तो थोड़ा बहुत प्रकाश आपको एक तरफ से दूसरे तरफ आते हुए दिखाई देगा, लगेगा प्रकाश जितना आ रहा था वो प्रकाश कम गया है। तो टिश्यू पेपर भी क्या है, अर्ध पारदर्शी, अपने अंदर से थोड़ा बहुत प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ आने देता है। फिर तीसरा क्या है, तेल, तेल लगा हुआ कागज, कोई कागज है उसमें अगर तेल लगा दीजिएगा, तेल लगा दीजिएगा तो भी कैसा काम करेगा, अर्ध पारदर्शी की तरह काम करेगा, अर्थात उससे भी थोड़ा बहुत प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाएगा, ठीक है। यह हम पारदर्शी समझिए जिससे जिसके आर पार प्रकाश जा सके, ठीक है। अपारदर्शी जिसके आस पार आर पार प्रकाश नहीं जा सकते, एकदम नहीं जा सकता। अर्ध पारदर्शी या पारदर्शी जिसके आर पार थोड़ा बहुत प्रकाश जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ गए पारदर्शी अपारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है, ठीक है। तो हाँ आज के लिए इतना ही।